हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कोई भी वाईफाई बगैर पासवर्ड के किस तरह अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक क्लिक की मदद से। उसके लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें। बास दफा ऐसा होता है कि हम अपने वाईफाई का पासवर्ड लगाकर भूल जाते हैं, या हम किसी दूसरे का वाईफाई अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और हमें उसके पासवर्ड का पता नहीं होता, या आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार की तरफ जाते हैं और उनके वाईफाई का रूटर देखकर आपका भी दिल करता है कि आप भी ये वाईफाई यूज कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि आप किसी का भी वाईफाई बगैर पासवर्ड के किस तरह यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये कि आपको सबसे पहले वाईफाई के रूटर के पास जाना है। वाईफाई रूटर की बैक साइड पे आपको एक बटन नजर आएगा जिस पे WPS लिखा होगा। WPS बटन को ढूंढने के बाद एक बार उसको प्रेस करें तो मॉडम पर WPS की लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगी। तो याद रखें, ये लाइट सिर्फ 60 सेकंड तक ब्लिंक करेगी, तो इसी दौरान आपको अपने मोबाइल के साथ इसे कनेक्ट करना होता है। अगर आपने उसको एक मिनट में कनेक्ट ना किया तो आपको WPS के बटन को दोबारा से दबाना होगा। तो मोबाइल में इसे कनेक्ट करने के लिए सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएं और वाईफाई को ओपन करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं किसी भी वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं हूँ। अगर मैं इस वाईफाई के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ तो ये पासवर्ड मांगता है, और जो मैंने बटन WPS का दबाया था वो इसी वाईफाई का दबाया था। और यहाँ मोर पर क्लिक करें और यहाँ पर WPS का बटन है, तो इस पर क्लिक कर दें तो ये 3 से 4 सेकंड में कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देखें, ये कनेक्ट हो चुका है। सब मोबाइल में WPS का बटन एक जगह नहीं हो सकता, तो ये मुख्तलिफ मोबाइलों में मुख्तलिफ जगहों पे होता है। अब मैं आपको एक दूसरे मोबाइल की सेटिंग दिखा देती हूँ। तो उसके लिए आप सेटिंग में जाएं, उसके बाद आप वाईफाई में और ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करें, इसके बाद एडवांस पर क्लिक करें तो यहाँ पर WPS का बटन मौजूद है, इस पर क्लिक कर दें। तो ये खुद ही बगैर पासवर्ड के कनेक्ट हो गया है। तो उम्मीद है व्यूवर्स, आपके लिए आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऐसी मज़ीद और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।